पीथमपुर में हुई जल की कमी, रहवासियों में बड़ा आक्रोश। पीथमपुर से अमित त्रिवेदी की रिपोर्ट। पीथमपुर नगर पालिका के वार्ड 15 के रहवासी अपने साथ हो रहे सौतेले व्यवहार को लेकर आक्रोशित हैं। पिछले 8 दिनों से उनके वार्ड में पानी का वितरण नहीं किया जा रहा है और ना ही वैकल्पिक व्यवस्था कर पानी टैंकरों से भेजा जा रहा है। नलों में गंदा पानी आने की कई बार शिकायत की गई है, उसके बावजूद भी नगर पालिका के जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज वार्ड की महिलाओं ने पार्षद पप्पू असोदिया को साथ लेकर नगर पालिका के जोन कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की व जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था करने की मांग की। महिलाएं अपने साथ खाली मटके व गंदा पानी बोतलों में भरकर लाई थीं। नगर पालिका में मौजूद कर्मचारी के आश्वासन के बाद ही महिलाएं वापस लौटी। बताएं क्या मामला है और किस चीज का आवेदन दिया गया है नगर पालिका? क्या है मतलब आपको अभी तक इस बात की जानकारी नहीं? नहीं, नहीं जानकारी है। इनको फकीर मोहल्ले में पानी 4 रोज से नहीं आ रहा है जी। इनकी पानी की मांग है जी। पानी जल निरीक्षण से बात हुई, टैंकर पहुंचा रहे हैं जी। आपका नाम और पद बता दीजिए। पद और सहायक राजस्व निरीक्षक। आपके और आपके नगर पालिका जी, आज 8 दिन हो गया, 15 वार्ड में 8 दिन से पानी नहीं दिया। सभी जनता परेशान हो रहा है, ना टैंकर आ रही है ना नल आ रही है। ये आपके हाथ में बाटल है, ये गंदा पानी है, ये नल का पानी है, ऐसे ही आ रही है गंदा पानी आ रहा है, बार बार पूरा गंदा आ रही है, इससे बीमार हो रहे हैं हम लोग। इतनी गंदा पानी कैसे पिएंगे हम? बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, बड़ा बड़ा बीमार हुए बच्चे। आपका नाम? शारदा भाई। अपने क्षेत्र की खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं। चैनल पर आपके सुझाव आमंत्रित हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।